हम सबके जहन में महाभारत और रामायण के किरदार आज तक रचे बसे हैं। इन्हीं किरदारों में से एक अद्भुत कौशल के स्वामी भीम, जिनका मूल नाम प्रवीण कुमार सोबती था, आज वो अपनी अनंत यात्रा पर निकल गए। उनका देहावसान हो गया है। टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती के निधन से मन दुखी है। वो एक बेहतरीन अभिनेता, खिलाड़ी और BSF में पद धारक थे। वो एथलीट भी रहे और हैमर और डिस्क थ्रो में एशियन गेम्स चैंपियन भी थे। 6 दिसंबर 1947 को पंजाब में जन्मे प्रवीण ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने से पहले एक बेहतरीन एथलीट हुआ करते थे। प्रवीण गोला फेंक और चक्का फेंक यानी हैमर और डिस्क थ्रो में नंबर वन खिलाड़ी रह चुके हैं। वो 4 बार एशियन गेम्स मेडल विजेता थे और 2 बार उन्होंने ओलंपिक में भी भाग लिया था। एशियन गेम्स में उन्होंने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। उन्होंने 1968 में मैक्सिको ओलंपिक गेम्स और 1972 के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यह उनके स्पोर्ट्स कौशल की ही बात थी कि उन्हें BSF में डेप्यूटी कमांडेंट की जॉब भी मिली थी। साल 1967 में प्रवीण कुमार को खेल के सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। अमिताभ बच्चन की फिल्म शहनशाह में मुख्तार सिंह का किरदार प्रवीण कुमार सोबती ने ही निभाया था। उन्होंने करिश्मा कुदरत का, युद्ध, जबरदस्त, सिंहासन, खुदगर्ज, लोहा, मोहब्बत के दुश्मन, इलाका जैसी कई फिल्मों में काम किया था। उनकी कदकाठी को देखकर लगता था कि वो एक सुदर्शन व्यक्तित्व के मालिक हैं और पौराणिक किरदार निभाने में सिद्ध हैं। धे IAS ऐसे पौराणिक किरदार के निधन पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।